अस्सलाम वालेकुम। तो मैं एक दफ़ा फिर आ गई। इस दफ़ा फिर से मैं आप लोगों के लिए एक क्विक रेसिपी लाई हूँ दाल की। फॉर अ चेंज कभी कभी दाल भी खा लेनी चाहिए। यूजली समझा जाता है कि दाल बहुत इजी चीज़ है बनाने के लिए, लेकिन यह कि हर किसी से अच्छी दाल नहीं बनती। मेरी अम्मी की रेसिपी है ये। आज तक जिसने भी खाई है सबको बहुत पसंद आती है। लोग मुझसे इसकी रेसिपी भी पूछते हैं, समटाइम्स कंप्लेन भी करते हैं कि जैसे आपका टेस्ट था वैसा टेस्ट नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी बनाती हूँ और सबके सामने, ताकि जो जो लोग अपने घर में इसको ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई करके देखें। और अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आए, कोई क्वेरी हो, कोई भी बात हो, आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए रेसिपी ट्राई करते हैं। तो इस दाल के लिए हमें चाहिए मसूर की दाल जो रेड वाली होती है, और मूंग की दाल जो येलो दाल होती है। मसूर की दाल हमने इसके लिए ली है 1 कप, और मूंग की दाल है 1/2 कप। उसके अलावा रेड चिली पाउडर हार्डली 1/4 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक एंड 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी। तो ये सारी चीज़ें डालते हैं। अभी मैं पहले दाल को सोक करूंगी। दाल को सोक करना है मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए और मिनिमम 15 मिनट्स के लिए। अच्छा जी, भगा के इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लें। 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून वाइट जीरा, 3 4 होल रेड चिलीज जो हैं, आई प्रेफर राउंड वंस, लेकिन वो नहीं थी तो हम लॉन्ग वाली यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा 7 8 लीव्स जो हैं वो करी लीव्स चली जाएंगी, और थोड़ा सा ऑयल यूज़ होगा जिसमें हम इन सब का तड़का बनाएंगे, वो जब हम करेंगे तो आई शो यू। जी, तो ये दाल जो है ये तकरीबन 20 मिनट्स मैंने भिगोती थी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून फुल मैं इसके अंदर हल्दी का डाल रही हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब गार्लिक डाल रही हूँ। अब हम इसको पकने देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट से पकेगा। एग्जैक्ट टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये दाल 20 मिनट्स पकी है और ये बिल्कुल गल गई है। इसमें मैंने 4 कप्स पानी डाला था। जस्ट इन केस पानी आपको कम लगे तो उसको गर्म पानी हमेशा ऐड करते हैं, उसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करते, वरना दाल थोड़ी सी सख्त हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा ज़्यादा है, आपकी दाल जल्दी गल गई है, तो वो थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके पानी थोड़ा सा एवेपोरेट होने देते हैं, और अकॉर्डिंगली जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए है वैसी रख लेते हैं। मैं मीडियम रखती हूँ, बहुत पतली भी नहीं होती और बहुत थिक भी नहीं होती उसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, भगार के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल गरम किया है। उसके अंदर मैंने ये 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला है, और इस गार्लिक को अब ब्राउन होने देंगे, और उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। गार्लिक जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर बाकी के सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे, जीरा, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल रहे हैं। थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे कि वो चीज़ें फ्राई हो जाएं और उनका जो अरोमा है वो अच्छे से निकल आए। और उसके बाद हम ये भगार दाल के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये भगार दाल के अंदर डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और ये हमारी दाल रेडी है। मैं शायद मेंशन करना भूल गई थी कि हमने दाल को 20 मिनट्स कैसी फ्लेम के ऊपर पकाया है। तो 20 मिनट्स इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें पकाना है, तेज़ आंच पे भी नहीं और बिल्कुल लो पे भी नहीं। और ये हमारी दाल रेडी है। इसको मैंने सर्व किया है सैलेड, बॉइल्ड राइस, शामी कबाब और अचार के साथ। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई
कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं, और ट्राई करिएगा मुझे बताइएगा कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।